दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को एक हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे जुडिशल कस्टडी में थे तो उनका सात किलो वजन घटा था जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराया तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस सडन वेट लॉस कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है uh, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन uh, दिया है ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली जरूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्ली डिटेक्शन होता है बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन में व्यस्त है उसी के लिए उन्हें जमानत मिली है तो ये टेस्ट करवाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा है चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैजरीवाल सेवन डे एक्सटेंशन ऑफ इंटरिम इंटरपेन As everybody knows, when he was in ED custody, when he was in judicial custody, he lost seven kgs of weight. This sudden weight loss, unexplained weight loss is a matter of concern for doctors. Uh, despite being out of custody and under medical supervision, he has not been able to regain that weight again. Early tests have indicated that his ketone levels are extremely high. Unexplained sudden weight loss along with high ketone levels could be the indicator of some serious medical ailments, uh, including damage to the kidneys, including cancer as well. And uh, therefore, doctors have suggested that he needs to have a set of series of investigation, including PET scan of his entire uh, body and other uh, such serious tests. Because for diseases, be it like cancer, be it like kidney diseases, Detecting them at early stages is extremely important because these are rapidly progressing uh, diseases. So this is why uh, we have asked for a seven day extension so that he can get all of these tests done, start whatever medication has to be started. And then one week later on 9th, he would surrender instead of on second.